नरसिंहपुर जिले में नशीले पदार्थों के बढ़ते व्यापार पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और इसी के चलते गाडरवाड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर दो युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पूछा कि इसमें कहां से आता है ताकि पुलिस उन पर कार्रवाई कर पाए। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। सूचना पर अमर शांति टाउनशिप जो गाडरवाड़ा में है, वहाँ से ईश्वर पिता कमल मेहरा, उम्र 20 साल, ग्राम कठोतिया का रहने वाला है, इसके पास से 13 ग्राम स्मैक जब्त की है। और इसी के साथ ही साथ एक जगह और मुखबिर की सूचना मिली जो पतलौन रोड गाडरवाड़ा में, कमलेश पिता गबड़ुक छिपा 32 साल निवासी नया बस स्टैंड, इसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर। इस तरह से दो आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। समाज के लिए बड़ा हानिकारक होता है और हमारे समाज में इस तरह की विकृति बहुत दिनों से चल रही है और उसमें जो ब्राउन शुगर है इसकी काफ़ी शिकायतें भी थी। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गुरुकरण सिंह के द्वारा आदेश करने पर टीम गठित की गई, जिसमें अधीक्षक महोदय थाना प्रभारी गाडरवाड़ा एवं उनकी टीम, जिसमें उनके उपनिरीक्षक अभिषेक जैन, चंदन सिंह, सहायक उपनिरीक्षक विजय पाल, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, राकेश दीक्षित, आरक्षक कुलदीप, राजेश बागरी, बाल किशन, राम गोपाल, ये सभी लोगों की टीम ने इस चैलेंज को योजनाबद्ध तरीके से परिणाम दिया। ये कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में विक्रय करते हैं, उन सोर्स का और उन स्थानों का पता लगा के उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और हम उस पर कार्रवाई करेंगे।